हैं जोधपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले, हाईकमान ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया तीसरी बार, और अभी 3 महीने हुए करीब, 4.5 साल तक मुझे सेवा करनी राजस्थान की, जम के सेवा करनी है। और आपको मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान भर के लोगों का एक एक वोट, आपका एक वोट मेरी गवर्नमेंट को मजबूती प्रदान करेगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आपका बहुत कीमती वोट है, और जैसे ही आप चुनाव जिताओगे, हमने मिशन 25 की बात करी राजस्थान के अंदर, हालात बड़े खराब है देश के अंदर, जो माहौल देख रहे हैं आप लोग, कोई वर्ग खुश नहीं है, ना किसान, ना मजदूर, ना व्यापारी खुश भी नहीं है। वो अलग मामला है, डर के मारे वो बाहर नहीं आते हैं, वो अलग मामला, पर व्यापार धंधे ठप हो गए हैं, उद्यमियों ने कई लोगों नौकरी निकाल दिया नोटबंदी के बाद में, GST ढंग से लागू नहीं करी वरना ये तकलीफ नहीं आती, और पूरे देश में घृणा का, नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ऐसा माहौल मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा जो आज देश के अंदर चल रहा है। ये तो तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर कह रही है, आज देश में जमहूरियत को, लोकतंत्र को खतरा है, आज देश में संविधान को खतरा है और देश को खतरा है। लंबी बातें आप सुनते हैं रेडियो में या TV में, मेरी बात भी सुनते होंगे, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता। अभी मैं खाली आपको ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ, ये चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। वैभव गहलोत से मैं उम्मीद करूँगा कि जो काम आपको मालूम 38 साल पहले जोधपुर क्या था, आज नई पीढ़ी को तो मालूम नहीं है, ना रेलें थी यहाँ पर, एक आगरा फोर्ट जाती थी बहुत धीमी गति से, एक दिल्ली मेल थी, ब्रॉडगेज नहीं थी, हमें दिल्ली जाके ट्रेनें बदलनी पड़ती थी, या अहमदाबाद जाके ट्रेन बदलनी पड़ती थी आगे जाने के लिए, वो जमाना था। ब्रॉडगेज लेके आए 10 मिनट 12 मिनट से चली गई, आज हम पूरे देश में चारों ओर जुड़ गए, पता नहीं अब कितनी ट्रेन चलती मुझे नहीं मालूम है। जोधपुर खाली करने नौबत आई थी पानी को लेके, मतलब माथुर के जमाने में एक बार एमरजेंसी योजना बनी, मथाने से पानी आया, मेरे वक्त में एक बार मणि से पानी आया, एक बार रंसी गांव से पानी लाया, हम लोग पाइप लाइन बिछा करके एमरजेंसी, ट्रेनों से पानी आया, ट्रेन रेलगाड़ियों में बोगी आती थी, टैंकर आते थे पानी के जोधपुर के अंदर, तब जाके प्यार घुसती थी, वो देखा जमाना। राजीव गांधी के जमाने में हमने घोषणा करी स्टेडियम ग्राउंड में, शिवचंद्र माथुर मुख्यमंत्री थे, प्रताप मैंडल जी PhD मंत्री थे, आज इंदिरा गांधी का पानी जोधपुर आने के बाद में एक शांति हो गई, पानी पूरा उपलब्ध है, अब वितरण में गड़बड़ है तो पानी कहीं मौलम आता कहीं नहीं आता वो अलग बात है, वो भी ठीक करेंगे, पर मुख्य समस्या पानी की थी, वो आज समाज जोधपुर में हो गए। बड़ी बड़ी संस्था लेके आगे, AIIMS हॉस्पिटल मानव हॉस्पिटल देश का होता है वो जोधपुर में लगवा दिया, IIT मानवीय संस्थान है वो आ गई, 5 विश्वविद्यालय आ गए, कृषि का आ गया, लॉ का आ गया, आयुर्वेद का आ गया, पुलिस यूनिवर्सिटी आ गई, कोई कमी रखी नहीं, और भी निफ्ट की बहुत बड़ी संस्थान होती है, मेरे प्रेशर में था, मुझे मालूम है कि मेरे अंदर में आती थी, खाली बॉम्बे दिल्ली में थी, आज जोधपुर में खुल गई। कहने का मतलब चारों ओर से हम लोगों ने जोधपुर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ओवरब्रिज अंडरब्रिज थे बने जोधपुर में, ट्रैफिक जाम रहते थे, बच्चे भैरी वाला चलाया खतरनाक पुड़िया, आज 2 मंजिल का ओवरब्रिज बन गया। पिछली गवर्नमेंट हमारे साथ अन्याय कर रही थी, स्मार्ट सिटी नहीं बनने दिया जोधपुर को, उपेक्षा करी जोधपुर की वसुंधरा के शासन के अंदर, ये ब्रिज भी बंद कर रहे थे वो सरकार बदलने के बाद में, एक इंजीनियर साहब गए दिल्ली जयपुर में, ये देखो सब पीले खड़े हो गए, इसको बंद कैसे करेंगे, तब जाके वो रुका वरना वो ब्रिज आपका बनता ही नहीं। इस प्रकार उपेक्षा हमारी करी गई है, एक बदला आपने लिया पिछली बार, आपने मनीष साहब को जिताया, मुझे जिताया, अयुब भाई हमारे बहुत कम वोटों से कामयाब नहीं हो पाए, एक मौका है ब्याज सही बदला लेने का मौका है, आप भारी बहुमत से सूरसागर सीट को जिताओ, और आप देखो ये काम की कोई कमी नहीं रहेगी, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, जोधपुर से दिल्ली तक जुड़ेगी, सरकार आपकी है जयपुर के अंदर, अयुब साहब आपके प्रतिनिधि यहाँ पर है, साबुद्दीन आपका लोकप्रिय पार्षद है, ये सब मिलकर के जोधपुर वाली सेवा करेंगे, जो आप काम कहेंगे कोई अन्याय अत्याचार उत्पीड़न नहीं हो, विकास की जो सुझाव है वो हम पूरा करेंगे, आपके सुख दुख पे हमेशा हम साथ खड़े मिलेंगे, और 40 साल का इतिहास गवाह इस बात का, क्योंकि मुझे कोई लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं, आप यही प्रार्थना है कि वोट देने की सबकी इच्छा है,
तो वोट गिनती वही आता है जो जाके वोट बटन दबता है। खाली हम घर बैठे बैठे बात करें कि हम तो उनको चाहते हैं, काम नहीं चलता। पांच वोट है, पांचों पांच वोट पड़ने चाहिए। सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलकर के वोट डालें और भारी बहुमत से वैभव गंज को आप कामयाब करें। ये बात के तौर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं और अलग अलग इलाकों में जाकर वो जोधपुर से प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। और इस दौरान जब उन्होंने अपना संबोधन दिया, जनसंपर्क किया, तो एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर हुए और तमाम तरीके के आरोप लगाए।